अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम रॉयल कलम गोट फार्म। दोस्तों, हम लोग पहले वीडियो में बकरे देखे, ये वीडियो में बकरी और बच्चे देखेंगे। ब्रीडिंग सेटअप आप कब से चला रहे हैं बोले आपने? वही 3 साल हो गए। 3 साल हो गए तो बकरियाँ एक एक करके जमा की होगी। हाँ, तो कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ हैं? सोजत और पतिरा की। ये बकरी का ये पहला ही बच्चा आई थिंक? हाँ, पहला ही बच्चा। ये बकरी क्योंकि बहुत यंग दिख रही है मेरे को। तो आपके घर की बकरी? घर की बकरी है, ये घर की बकरी है। और क्या रिजल्ट आया? एक नंबर रिजल्ट आया। महीने भर का बच्चा है? एक महीने का बच्चा ये। तो अब बच्चे कितने महीने के होंगे तो बेच देते हैं आप? 2.5 महीने के बाद जब दूध छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। बकरियां देनी नहीं है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर बकरियां इसमें सोजत और पतिरा है। सोजत बकरी दे देंगे आप बोले ना? सोजत दे देंगे। कौन कौन सी है जो आपको देनी है अभी? तो ऊपर भी काफी बकरियां वो लेके आएंगे अभी नीचे। कौन से ब्रीडर से हम लोग इसका रिजल्ट ले रहे हैं भाई? मैं अभी पतिरा से ले रहा हूँ। अच्छा, है अपना ब्रीडर यहाँ पर ही है। सही है। तो इसमें से कौन कौन सी बकरी देनी है अपने को? एक सोजत जी, गाबन है अभी है। हाँ, गाबन है। बच्चा दी इसने अपने पास पहले? दो बार दिए। और कौन सी बकरी है? ये एक बकरी है, बहुत अच्छी हेल्दी बकरी है माशाल्लाह। दो बच्चे दिए हैं। बच्चे हैं अभी यहाँ पर? हाँ। तो बच्चे के साथ देना किसी बकरी दे? अभी बकरी देनी। बकरी देनी, गाबन है ये। दो हो गई। और एक है वो ब्राउन मुंडे वाली, बच्चा है अभी इसका। ये गाबन नहीं अभी। अच्छा, अभी खाली है। अच्छी बकरी, लेकिन पहली बार बच्चा दी इसने। और कौन सी? ये अजमेरा नहीं, सोजत में ही है। सोजत में है। रेड वाली का ही है, लेकिन कलर देखो, कलर डिफरेंट हो गया, कलर और लाइट हो गया इसका। हाँ। ये बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा, पहली बार में अच्छा बच्चा दियो। ये पतिरा का रिजल्ट है इस पे? पतिरा का ही रिजल्ट। कान भी अच्छा है। चांस ले रहा है वो, बाकी भी दूध मिल जाए उसको। और ये तोतापुरी बकरी? तोतापुरी ये भी घर की ही बकरी है। अच्छा, बिक गई है। हाँ, अच्छा, एक बच्चा बिक दिया। और ये बेचना नहीं बेचना? वो भी बेच देंगे। भेज देंगे। बकरिया क्या रेंज की है एक अंदाजे के तौर पे? एक 17 से 15-13 तक। अच्छा, 13 से 17 के बीच में। हाँ। और बच्चे अगर किसी को खरीदना है तो आपके बच्चे की? बच्चे अभी छोटे, 1-1 महीने के हैं। मतलब अगर अभी या बाद में खरीदें 2 महीने बाद तो एक 12 की पट्टी से आ जाएंगे। 12,000 की पट्टी दे देंगे। सही। अगर लोगों को आपसे कांटेक्ट करना तो आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9870219887। ठीक है। और अगर एड्रेस तो बहुत इजी है यहाँ पर आना। कलम बीच पे आ जाओ तो, हाँ। और फार्म देख लो, और यहाँ पर पूरा दिन टूरिज्म भी हो सकता है, है ना? रहना खाना सब है, इधर मौजूद है। टूरिज्म के लिए रिजॉर्ट वगैरह भी बने हुए हैं। सही। एक बार आपको ऊपर से भी सेटअप दिखा देते हैं हम लोग। तो ऊपर प्लैंक पे बना है ये पूरा। देख सकते हैं बकरे और बकरियों के लिए अलग सेक्शन है। पीछे का सेक्शन बकरों के लिए है और ये बकरियों का सेक्शन है। पूरा यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं फार्म का। खाने के टाइम नीचे आ जाते हैं, बाकी के टाइम ऊपर जाके आराम कर देते हैं अपने आप। अपने आप। और खाने में क्या देते हैं आप पूरा दिन इनको? खाने में हरी पत्ती जी, तूर भूसा, और एक टाइम में हरा चारा जो आपके बाजरी खेत में। हाँ, खेती में रहता है वो जी। बाद में उनको शाम को कपासी का पेंट। हाँ। भिगो के रखता हूँ सुबह में। हाँ। और चना के इसका चुन्नी, अपना तूर का चुन्नी पूरा मिला के थोड़ा सा गेहूँ भी अगर रहता है तो मिला देता हूँ। सही। तो ये कंटिन्यू उनका खुराक रहता है, इसलिए बकरियाँ सब हेल्दी है माशाल्लाह। और बकरों ने भी वेट गेन अच्छा ही किया आपके यहाँ?
जब लिए तो उसके बाद अभी तक कितना एवरेज वेट गेन कर रहे हैं? ये कम से कम 3-3.5-4 किलो जाते वेट अच्छा, कर रहे महीने में, क्योंकि अंडुल ज्यादा है ना जी, थोड़ा सा बकरी नजदीक होने की वजह से वो थोड़ा वेट लॉस वापस कर देते हैं। वो हीट पे एक भी बकरी आई तो ये परेशान हो जाते हैं, है ना। सो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है फार्मिंग का अभी तक का? फार्मिंग अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा जी। और ये मैं कोई मजूर वगैरह कोई रखा नहीं, खुद भाई मैं पिताजी, आप घर वाले ही करते हैं? हाँ, तो पूरा उनका ट्रीटमेंट इंजेक्शन से लेके कुछ भी रहने दो टोटल मैं ही कर देता हूँ, तो कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब घर वाले ही कर लेते हैं ना। सही, तो एक बार और हम बकरे दिखा देंगे ये वीडियो में भी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सारे बकरे देने हैं, बकरियाँ नहीं देनी है, कुछ बकरियाँ देनी है जो हम दिखा चुके हैं, बकरे 450 के हिसाब से देने और ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर किसी को भी चाहिए तो एक बार फ़ोन पे बात कर लें और आके माल देख लें एक बार, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बकरे भी इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग, सोजत क्वालिटी में। और मेन बात जैसा भाई बता रहे, सेट है होम ब्रीड के, सब सेट है, होम ब्रीड है, सही, ज़्यादातर इनके होम ब्रीड है जी, मार्केट से लाए हुए ज़्यादा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सही, देख सकते हैं आप लोग, सही है। तो अगर किसी को भी बकरे चाहिए डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह काफ़ी ट्रस्टेड बंदे हैं, मतलब आपका जो सर्विस है वो भी मुंबई पुलिस में ही है। पुलिस में जॉब करता हूँ, है ना। पिताजी रिटायर है जी, वो भी पुलिस में थे, नहीं पिताजी टीचर थे, टीचर और भाई बीएमसी में। अच्छा, मतलब एवरीवन इज गवर्नमेंट। बचपन से बकरे पाले थे जी, तो एक शौक करके देखते क्या तो चालू किया, तो बड़ा ही सेटअप किया तो नहीं। सही है, बहुत अच्छा है, और गाँव के बीचों बीच है, और ये बीच है तो हवा है, ह्यूमिडिटी है, उसका कभी फर्क नहीं पड़ता जानवर के हेल्थ पे। नहीं नहीं, जैसा रहेगा वैसा पैक कर देते, फिर जैसा बारिश में रहेगा तो पूरा पैक कर देते, ठंडी में थोड़ा सा पैक कर देते, मतलब पूरा ख्याल रखते हैं उसका, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक एक बकरे के ऊपर अपना ध्यान रहता है, सही है, क्या है क्या नहीं है, और ज्यादा करके बीमार नहीं पड़ते क्योंकि पूरा सेट है, लेकिन टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन उनका कवर हो जाता है, और जरूरी है ना टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन। और जो इनका जो खाद निकलता है, जो इनका वो अपना खेत पे रिश्तेदार वगैरह लेते आते हैं, लेते काफी काम आता होगा अपने खेतों पे, हाइजेनिक से खेती एकदम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो जाता है। इधर पे केमिकल मैं सुना बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, कम ही होता है, जो हमारे से अभी लेते हैं ना, हाँ, तो वो लोग ज्यादा नहीं यूज करते, और रिजल्ट भी अच्छा है, अच्छा आ रहा है, हम भी खेती में डालते हैं तो रिजल्ट भी देखा हो तो हमने खुद अपनी आँख से देखा माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नंबर दे दिया मैंने, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको अगर कॉन्टेक्ट करना है तो सुबह 10-2 के बीच में करें तो बेटर है, बाद में क्योंकि सर्विस वगैरह पे रहते हैं यू नो। और अगर आपको विजिट भी करना है तो मॉर्निंग आवर्स में करिए, या इनका हॉलीडे जिस दिन रहता है उस दिन आ सकते हैं। वैसे भाई और पिताजी तो रहते ही है ना? हाँ, पिताजी तो रहते ही, कोई पिताजी रहते हैं, ठीक है। आइए एक बार और सब बकरे मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। ये अंडुल है, इसको बांध के रखा है, बहुत मस्ती खोल रहा है, अपने को मारता नहीं है बकरे को, लेकिन बकरे को अगर वो बकरी हिट पे आ जाती है ना तो वो थोड़ा सा मारने लगता है, ब्रीडर को भी उसने पूरा डैमेज कर दिया है ना तुमको। हां, डैमेज किया जरा देने। ये देखो ब्रीडर है माशाल्लाह, मारा उसको वो, इसने ही मारा है उसको, पर अभी सही हो रहा है ना? हो रहा है, हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा ब्रीडर है, एकदम गुलाबी। क्या खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह, क्वालिटी है, देख सकते सीना गला दो ही दांत के, अभी वो भी अभी थोड़ा सा ये हो गया, इसके लिए थोड़ा वेट लॉस किया उसने, उसको पैर से मारा था, दोनों जगह मारा उसको, इसके लिए इसके लिए बांध के रखा दिया उसको। क्या खूबसूरत है माशाल्लाह, गुलाबी है, इसके लिए बच्चों का रिजल्ट भी ऐसा आ रहा है फिर, है ना।